विगत माह डंफर ड्राइवर की हत्या कर फरार मुख्य आरोपी की सूचना देने वाले और गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा हरदा एसपी ने की है। आज आदिवासी संगठनों और भीम आर्मी ने कलेक्टर का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग की है। हरदा जिले के टिमरनी थाना अंतर्गत ग्राम भुवन खेड़ी के पास सड़क किनारे अनिल माणिक की लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। संदीप ने पुलिस को हत्या का सारा राज खोल दिया। संदीप ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र पटेल ने बैटरी चोरी के शक में अनिल माणिक की क्रिकेट के बैट से पीटकर हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को जाहिद खान के ऑटो में रखवा कर धर्मेंद्र के खेत ले गया और वहां से लाश को भुवन खेड़ी सड़क किनारे डालकर साइड से डंपर निकाला जिससे एक्सीडेंट प्रतीत हो। आज पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। अभी कुछ 3 दिन आप हरदा जिले में 15 तारीख को पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। ये मेरा बार बार निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे, जल्द से आरोपी की गिरफ्तारी करे। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सोच लेंगे कि हरदा में 2018 में जो भारत का आंदोलन हुआ तो नहीं दिखेगा। 2018 के उनको आंदोलन दिखाना पड़ेगा तो उनको उनको छुट्टी का दर्द भी आगे लगेंगे। उसी के साथ जो भी 8 दिसंबर को यहाँ के जनपद अध्यक्ष के पति ने हमारे भाई अनिल माणिक की जो हत्या की, वह हरदा जिले के लिए बहुत निंदनीय घटना है। हरदा जिले में 6 माह में लगभग 5 हत्या हो गई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि नेताओं चाहे विधायकों चाहे सांसद सभी लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अब ऐसी अस्थि का शोषण करना बंद करे। एक तरफ तो भजन का अमृत महोत्सव मना रहे, उनका ऐसी अस्थि समारोह आज भी सुरक्षित नहीं है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री से चार से पूछना चाहता हूँ कि अब किस प्रकार का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। जब तक अनिल माणिक की हत्या पर फांसी की सजा नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उसके लिए कभी प्राणों को आहुति भी देना पड़े तो हम देंगे। अरमू पटेल को है ना फांसी दो और उसके घर और उसकी जमीन पे बुलडोजर चलवाओ, उसको पूरा बर्बाद कर दो। जैसी मैं बर्बाद हूँ इसे वो बर्बाद होना चाहिए, यही मेरी मांग है। और उसको फांसी तीनों को मिलनी चाहिए, जिसने जिसने मारा उसको फांसी होना ही होगा। किसको मारा उसने? मेरे पति को, अनिल माणिक को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही लड़का है, 3 महीने पहले मैं माँ बनी थी। अभी आपके परिवार में और कौन है कमाने वाला? कोई भी नहीं, हम तो बोलाते थे कमाते थे, हम खाते थे बस। हम 3-4 जने। क्या चाहते हैं आप? उसको फांसी चाहिए बस, तीनों को। और उसकी जमीन घर बार सब पूरा बर्बाद होना चाहिए, रोड पे आ जाना चाहिए बस। हम हो गया जी। आज हमने भीम आर्मी एकता मिशन के तत्वाधान में हमारे अनुसूचित जाति के युवक 30 वर्षीय चीरा खान के युवक अनिल माणिक की धारदार वो बेड बल्ले से यहाँ के स्थानीय जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल के द्वारा बेड बल्ले से उसको मार मार बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। लगभग पुलिस को आरोपी के द्वारा 20 से 25 दिन तक गुमराह किया गया, जिसके बाद जो आरोपी 2 पकड़ाए हैं, बाकी जो मेन आरोपी है वो धर्मेंद्र पटेल अभी बाहर है। अभी हमने यहाँ पर तेजाजी चौक पर आम सभा भी करी, जिसके बाद हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद यहाँ पर अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि यदि 3 दिवस में उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चलते, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम उग्र आंदोलन होने के लिए बाध्य होंगे, जिसका स्वयं जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय विधायक कृषि मंत्री कमल पटेल के वह दामाद हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि आप इस प्रकार की भाजपा कांग्रेस की दलाली करना छोड़ दें। अब जनता की सेवा को न कि अब किसी पार्टी की दलाली करने के लिए आपको शासन यहां पर बिठा है। और यदि उसके गिरफ्तारी नहीं होती 3 दिवस में तो हम उग्र आंदोलन होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।